हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को पेट का दर्द है अलग अलग कारणों से, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसे लेने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, यानी कि पेट दर्द की बीमारी से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए कौन कौन से बेस्ट फूड है और कौन कौन से वर्स्ट फूड्स है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग कारणों से लोगों को पेट दर्द होता है, तो उसमें हर एक चीज़ का स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है। कोई इन्फेक्शन का है तो उसमें स्ट्रैटेजी अलग होगा, किसी को अगर इंडाइजेशन का है तो अलग होगा, कॉन्स्टिपेशन है तो अलग स्ट्रैटेजी होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम है उससे पेन हो रहा है तो अलग स्ट्रैटेजी होगा, अगर किडनी और पेशाब की नली में अगर पथरी है या गॉल ब्लैडर में पथरी उससे पेट दर्द हो रहा है तो अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो हर चीज़ का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगा, तो अगर स्पेसिफिक कारण हमें पता चल जाए तो उसके हिसाब से डाइट को प्लान करना ज़्यादा ईजी है। लेकिन ओवरऑल भी अगर पेट दर्द हो रहा है तो ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, ओवरऑल आपको पेट दर्द के कारण कुछ हद तक कम हो जाएंगे, जिनको खासकर इंडाइजेशन और एसिडिटी रिलेटेड पेन है उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे कौन से बेस्ट फूड्स हैं पेट दर्द के लिए। केला काफ़ी अच्छा है, बनाना काफ़ी अच्छा है, इस पर पोटाशियम कंटेंट अच्छा होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है और पेट दर्द को कुछ हद तक कम करता है। अदरक यानी जिंजर अच्छा है, इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि पेट के सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इससे डाइजेस्टिव ट्रैक बेटर रहता है, डाइजेशन बेटर रहता है तो पेट दर्द कम रहेगा। दही अच्छा है पेट दर्द वाले पेशेंट के लिए, जिससे पेट के दर्द प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम होगी। जिनको भी पेट दर्द का इशू है, प्लेन दही, अनफ्लेवर्ड दही या शुगर या नमक बिना डाले अगर दही लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हेल्दी है। ओट मील अच्छा है, ओट्स बेसिकली फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, तो पेट दर्द उससे कम होगा, डाइजेशन उससे अच्छा होगा। ओवरऑल कोई भी चीज़ जिसमें फाइबर अच्छा है और जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, जिस आपका डाइजेशन बेटर होगा, वो आपके पेट दर्द की प्रॉब्लम को कम होगा, क्योंकि बहुत सारे पेट दर्द के प्रॉब्लम्स जो हैं वो डाइजेशन रिलेटेड ही होते हैं, डाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के प्रॉब्लम से ही ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हेल्दी आप डाइट लेते हो तो आपका पेट दर्द कम हो जाएगा और इससे आपको समस्याएँ थोड़ी कम आएंगी। इसके अलावा व्हाइट राइस बेसिकली उसको डाइजेस्ट करना ईजी रहता है तो पेट दर्द वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। हालांकि ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है तो वो उस हिसाब से डाइजेशन के लिए अच्छा है, पर वाइट राइस का सबसे अच्छा ये है कि वो डाइजेस्ट इजी हो जाता है। तो ब्राउन राइस खाने से अगर किसी को डेफिनेटली अगर पेन हो रहा है तो वाइट राइस ऑप्शन बुरा नहीं है दर्द के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है कि लीन प्रोटीन्स, कोई भी आप प्रोटीन चीज़ें खाएं, जैसे अगर चिकन खाए तो स्किनलेस खाइए, फिश ले सकते हैं या सोया प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं जो भी फैट फ्री है। जितना लीन प्रोटीन्स आप लेंगे या फैट फ्री प्रोटीन्स आप लेंगे तो उतना दर्द का प्रॉब्लम कम होगा, जितना आप फैट कंटेंट ज़्यादा लेंगे उतना दर्द का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप लेते हैं तो अच्छा है, अगर गाजर है या जुकीनी है या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो भी आप बॉइल करके अगर खाते हैं तो वो पेट दर्द को आपको कम करता है। अलग अलग बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और पेट के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ बेसिकली बोन एक नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम है, बोन से एक सूप जैसा बनाते हैं, इसमें कोलाजन और अमीनो एसिड ज़्यादा अच्छे होते हैं जो पेट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और ओवरऑल अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उनके लिए अच्छा है। लो एसिड फ्रूट्स यानी कोई भी फ्रूट्स जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, जैसे पीता यानी पपाया, कैंटेलूप और हनीड्यू मेलन, तरबूज और खरबूज, ये सारे फ्रूट्स आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इसमें आपको पेट दर्द कम होगा और आपको इनका फ्लूइड कंटेंट अच्छा रहता है, एसिड कंटेंट कम रहता है, तो ये आपके लिए हेल्दी है अगर आपको पेट दर्द का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप एप्पल्स अगर खा रहे हैं और खासकर उसको कुक करके खाते हैं तो उसमें आपका बाउल मूवमेंट्स बेटर होता है और उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है, पेक्टिन रहता है जो कि एब्डोमिनल पेन के लिए अच्छा है, तो एप्पल्स को कुक करके खाइए, पका करके खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। पोटैटोस को अगर आप बॉयल करके, आलू को बॉयल करके खाते तो ज़्यादा ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, फाइबर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो पेट दर्द जिनको गैस की वजह से हो रहा है तो उनके लिए अच्छा है। गाजर को भी अगर आप पका करके अगर खाते तो वो भी पेट दर्द के लिए अच्छा है, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा है और बाउल मूवमेंट्स के लिए भी अच्छा है, एब्डोमिनल पेन को कम करता है। शैमोमाइल टी बेसिकली एक हर्बल टी है जिसकी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि पेट सेंसेशन और पेट के सूजन को कुछ हद तक कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। इसके अलावा एनिमल मीट्स में लीन चिकन और लीन टर्की अगर आप लेते हैं तो इससे भी प्रोटीन अच्छा मिलता है, इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ कम आते हैं और इसमें पेट दर्द का प्रॉब्लम कम होता है, तो जिन लोगों को भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है तो वो लीन टर्की या चिकन ले सकते हैं तो उससे उनको पेट दर्द कम होगा। अब बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ है जो आपके पेट दर्द की प्रॉब्लम के लिए ख़राब है। कोई भी
स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं या इसमें मसालेदार वगैरह आप खाना खाते हैं तो आपके पेट की इनर लाइनिंग को वो इरिटेट करेगा, जलन ज़्यादा होगी तो उसमें आपको दर्द ज़्यादा होगा। आप तला हुआ ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जो फैट कंटेंट है उसको पेट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो इस वजह से भी आपको पेन होगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी हर एक आदमी को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, इसमें भी कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो उनको भी पेन का सेंसेशन ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो पेट दर्द बढ़ सकता है। चाय अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या जो भी स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें कैफीन होता है। कैफीनेटेड ड्रिंक्स भी आते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स की तरह मार्केट में बेचे जाते हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है और इसमें भी आपको पेट दर्द होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस है यानी कि जिसमें सोडा कंटेनिंग चीज़ें हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, उस तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है, वो आपको काफ़ी हद तक पेट दर्द ज़्यादा होगा उसमें आपका। फैट कंटेनिंग फूड या जिस भी फूड में फैट ज़्यादा है, चाहे वो तला तीखा कोई भी चीज़ है या फ्रेंच फ्राइज है, समोसे कचौरी है, इस तरह की जो भी चीज़ें बनाई जाती है जिसमें तेल ज़्यादा होता है, वो पेट दर्द के लिए अच्छा नहीं है। बहुत हाई फाइबर वाले फ्रूट्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वगैरह जिसमें बीन्स वगैरह जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर को भी बॉडी को पचाने में दिक्कत होती है, तो इसमें बॉडी को पेट दर्द होने का चांस ज़्यादा होता है। ये फाइबर लंबे समय तक पेट में रहता है तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है लेकिन गैस का प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बुरा है। तो बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें आप अगर पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। कई बार हम हाई फाइबर युक्त खाना लोगों को खाने को बोलते हैं तो उसके बाद उनका पेट दर्द बढ़ जाता है, बाद में उसे वापस कम करना पड़ता है, तो उसका आप ध्यान रखें। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से फूड स्टफ या खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो पेट दर्द वाले पेशेंट को लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किससे पेट दर्द बढ़ता है, किससे कम होता है, इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप उस कंटेंट को देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोज़ नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट बातों का हम 1 मिनट में समरी आपको देते हैं। आप उसको हेल्थ टिप्स की तरह सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर टॉपिक ढूंढने में ना दिक्कत हो इसके लिए हम सारे टॉपिक को प्लेलिस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अलग तरह के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए जिस पर आपको टॉपिक चाहिए, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।